नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाले सप्ताह में गोल्ड, सिल्वर और मेटल और शेयर मार्केट का किस प्रकार से रुख रहेगा, क्या तेज़ी रहेगी, क्या मंदी रहेगी, कहाँ कितना अप कहाँ कितना डाउन हो सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम 14 अक्टूबर के बारे में। 14 अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा। सोमवार को किस प्रकार से शेयर मार्केट या अप और डाउन रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ जो कैलकुलेशन मेरी है उसके हिसाब से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी व्यूअर्स का जिन्होंने लास्ट वीक जो मेरा इस हफ्ते का वीडियो देखा था और उन्होंने मेरे से बात करी है एंड जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी को पसंद किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि किस प्रकार सोने का ट्रेंड रहेगा यहाँ पर, किस प्रकार गोल्ड यहाँ पर इस हफ्ता जाएगा और किस प्रकार कौन से दिन यहाँ पर तेज़ी और मंदी यहाँ पर हो सकती है और आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली सोना और चांदी के लिए ये वाला जो दिन रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। एक आपको अपर ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक आपको कहीं ना कहीं एक अपर ग्राफ 14 तारीख को यहाँ पर मंडे को देखने को मिलेगा। एवरेज प्राइस की अगर बात करूँ मंडे को या प्राइस की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं 37,000 के आसपास आपको 37,300 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को प्राइस मिलेगा यहाँ पर सोने का। और थोड़ा सा अब यहाँ से तेज़ी सोने में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि 14 तारीख को सोने में तेज़ी की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बात करें 16 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 16 अक्टूबर को रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर गट बढ़त मतलब कि कम ज़्यादा की संभावना यहाँ पर है। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर जो उतार और चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर 15-16 तारीख के आसपास आपको बनती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद 17 अक्टूबर की बात करें तो आपको थोड़ी सी फिर तेज़ी और फिर मंदी यहाँ पर दिखाई देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला जो हफ्ता रहेगा ये सोना और चांदी दोनों के ही लिए कहीं ना कहीं तेज़ी और कहीं ना कहीं मंदी लाता हुआ दिखाई देगा। पर सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोने में तेज़ी के साथ ही आप देखेंगे। और रात के टाइम पे स्पेशली आफ्टरनून के बाद आपको तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। पूरे ही हफ्ते आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आफ्टरनून के बाद आपको जो ग्राफ दिखेगा वो थोड़ा सा एक अलग ग्राफ आपको यहाँ पर लेके देखते हुए आप रहेंगे। तो सोना स्पेशली थोड़ा सा कम रहेगा बट ओवरऑल तेज़ी रहेगी। चांदी की बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर मंदी रहेगी बट कहीं ना कहीं हल्की फुल्की यहाँ पर तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। अब 14 तारीख का जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ये मैं कहीं ना कहीं 37,300 के आसपास का ग्राफ देख पा रहा हूँ। मैक्सिमम अगर ये जाएगा तो 37,900 के आसपास ये जा सकता है। और एंड में अगर बात करूँ 18 तारीख की अगर मैं बात करूँ जो कि सप्ताह का अंत होगा, जहाँ पर सप्ताह एंड होगा जहाँ पर, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया अप्स एंड डाउन्स, तो सोने में तेज़ी थोड़ी सी कम है यहाँ पर अभी, तो मंदी थोड़ी सी ज़्यादा है। इस कारण से कहीं ना कहीं 18 तारीख के आसपास आप देखिएगा कि सोना आपका 37,000 के आसपास रहेगा। तो 300 जो स्टार्टिंग में था वो 300 रुपये टूटेंगे यहाँ पर और कहीं ना कहीं 37,000 के आसपास रहने के चांसेस रहेंगे। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, मिड में सप्ताह के बीच में आप देखिएगा कि कहीं एक ऐसा समय आ सकता है जहां पर सोना जो है 36,000 के आसपास यहां पर पहुंच जाए, 36,000 का फिगर टच कर ले। 36,000 इन द सेंस कि 36,600 हो सकता है, 36,700 हो सकता है, 36,800 हो सकता है, 36,900 हो सकता है, बट कहीं ना कहीं 36,000 टच कर सकता है सप्ताह के बीच में। तो आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी इस बार कि सोना बहुत थोड़ा सा लो रहेगा बट कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्रेंड पर रहेगा और आपको कहीं ना कहीं सप्ताह के शुरू में और सप्ताह के अंत में यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है, बीच में ये थोड़ा सा आपको लॉस देगा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की कि आने वाले इस सप्ताह में कौन सी कंपनियाँ शेयर मार्केट में अच्छा करेगी और किस प्रकार से कंपनियाँ यहाँ पर अपना ग्राफ बना सकती है और बिगाड़ सकती है। क्योंकि जो ग्राफ मैं देख पा रहा हूँ और जो कैलकुलेशन मेरी निकली है, सप्ताह जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, मान के चलिएगा कि 18-22% जो शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर खुल सकता है। एक एवरेज शेयर मार्केट यहाँ पर आपको दिखेगा 18-22% के आसपास। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन है 17% के आसपास आप देखिएगा, 13-17% के आसपास शेयर मार्केट में गिरावट रहेगी। और एक अगर अच्छा ग्राफ मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं 55% के आसपास का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं तेज़ी में रहेगा। तो 55% कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में रहेगी और 17% के आसपास की जो कंपनियां हैं, सॉरी 18 से 22% के आसपास की जो कंपनियां हैं वो थोड़ी सी साधारण सी नॉर्मल सी रहेगी। और
13-17% के आसपास की जो कंपनियां हैं वो थोड़ी सी गिरावट में रहेगी। बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी गिरावट में रह सकती है, यहाँ पर किस कंपनी के शेयर में इस महीने इस हफ्ते थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर रह सकता है। तो जो कंपनीज़ की लिस्ट मैंने निकाली है और जो कंपनीज़ कैलकुलेट मैंने करी है उसमें टाटा टी और टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में बात करूँगा, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, ये जो शेयर्स हैं ये आपको थोड़े से कहीं ना कहीं गिरावट में यहाँ पर दिख सकते हैं। इसके अलावा टाटा टी, टाटा कॉफ़ी के अलावा एक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टी प्रोडक्ट्स सारे ही मान लीजिए, जयश्री टी ले लीजिए, विलियम्स टी ले लीजिए या और भी कोई टी कंपनी है, स्पेशली टाटा की बात करूँगा सबसे पहले, तो टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब एक कंपनी और जो मैंने निकाली थी उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, 1, 2, 3, 4, हाँ, तो ये जो मैं कंपनी बता रहा हूँ आपको MLW करके कंपनी है, MLW करके जो कंपनी है उसका कहीं ना कहीं आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपर ट्रेंड किस कंपनी का रह सकता है, किसका कितना अच्छा रहेगा यहाँ पर अपर ट्रेंड। तो रेमंड्स की बात मैंने पिछले हफ्ता भी करी थी, रेमंड्स की बात मैं इस हफ्ता भी करूँगा कि इस हफ्ते रेमंड कहीं ना कहीं तेज़ी रख सकता है, स्टार्टिंग में जो खुलेगा तो तेज़ी के साथ खुल सकता है और वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान कंपनी जो है उसके भी जो ग्राफ है वो अपर ट्रेंड पर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ग्राफ उसका देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो उनके ग्राफ भी यहाँ पर अपर ट्रेंड पर जाएंगे, तो शेयर मार्केट में उनका भी जो ग्राफ रहेगा वो कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड में रहेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्राफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका मैं कर रहा था कैलकुलेशन, वरुण शिपिंग करके कंपनी है जो मैंने देखी थी, उसका भी ग्राफ कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्राफ जा सकता है, एक अपर ट्रेंड पे यहां पर ग्राफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये थी शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन, उससे पहले मैंने आपको सोने और चांदी की इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए या और ज़्यादा परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए, और इसके अलावा सोने और चांदी के अलावा अगर आप और भी कोई मेटल की कैलकुलेशन चाहते हैं या रुई, कपास या और भी किसी एग्रीकल्चर में किसी और की कैलकुलेशन चाहते हैं, मसालों की कैलकुलेशन चाहते हैं या किसी की भी कैलकुलेशन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हर तरह से यहाँ पर संभव मदद कर सकूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैं आपको बराबर अपडेट अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको बराबर अपडेट देता रहूँगा कि कौन सा ग्राफ कहाँ जा रहा है, कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स में कहाँ कितना प्रॉफिट और कहाँ कितना लॉस होने की संभावना है और आपको कहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो इसमें आप मेरी मदद ले सकते हैं और मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि हर बार सभी की अच्छे से मदद कर सकूँ। फिर इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का परेशानी है, कोई समस्या आपको परेशान कर रही है और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर संभव मदद कर सकूँ। और उसके लिए आप मुझे कॉल, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपसे संपर्क करके आपका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकूँ। धन्यवाद।